मजा आएगा ना, अपने पसंद के प्रोग्राम देखेंगे, धार्मिक वाले देखूंगी। अच्छा मैं तो सीरियल देखूंगी, गाने देखूंगी सारे। अरे हमारे टीवी आती ही रखती है। हां सच में यार, चलो चलो देखते हैं। बस हो गया, ठीक है भैया, कोई परेशानी हो तो फिर हम तुमको ही फोन लगाएंगे, ठीक है ना? हाँ आ जाना जल्दी, हमें तो टीवी देखना रहता है। चलो अभी लगा के देखते, टीवी भी लगा के गया। हाँ, हम लोग तो देख देख, अरे ये बुक भी दे गए हैं ना, देखते हैं इसमें क्या क्या है, कौन से जाना है। दिखा जी, आपका तो संस्कार रास्ता सारे चैनल है। माँ जी हम लोग खाना सुबह जल्दी बना के बैठ जाते। हाँ तू भी मेरी मदद करवा। हाँ दोनों करके बैठ जाएंगे, है ना? सही है, चल चला के देख कैसा लगता है। रिमोट लाती हूँ मैं। बैठ के मजे करते बात है, रिमोट भी कितना स्मार्ट है, सुंदर है ना माँ जी। चल चलाते हैं, 1 2 3। न्यूज़ चैनल है, मैं सुनती हूँ न्यूज़ चैनल। अच्छा न्यूज़ देखना, चलो ना खाना के लगाते हैं। देखो किस नंबर पे है, 501 है, 501 लगा के देख। हाँ। तो अपना ही देखती रहती है, मुझको तो देखने नहीं दे रही है, चैनल ही चेंज करती बार बार। अरे माँ जी देखो ना कितनी सुंदर पिक्चर लगी है, वो देखो ना, कल आप देख सकते हो ना, कल आप देख लेना। मैं अच्छा आज एक दिन देख लेना, अच्छा लग रहा है, कल मैं जरूर देखूंगी। कल आज पहला दिन है ना, फिर मैं देखो देख लेना। आप ही देखो ना थोड़ी देर पिक्चर, देखो अपन ने तो इतनी देर हो गई बैठे हैं, खाना खाते हम लोग ऐसे ही बैठे। चल मैं चल चल अपन दोनों चलते हैं। माँ जी आज आप करते हैं ना, प्लीज प्लीज, मैं कल नहीं करती है ना। ये बैठी है क्या रे,
बिल्कुल पागल हो गई क्या टीवी देखती देखती अरे यहाँ पे कितनी अच्छी पिक्चर है प्लीज जाओ टीवी बंद करो थोड़ी देर वहाँ जी आ रहे सो देखने चलो सोने चलो क्या ये अरे इतने देर हो गया हाँ तो क्या टीवी के पीछे पागल रहेगी क्या अपने घर में ही है ना टीवी कहाँ जा रहा है थोड़ी देर देख चलो चलो जिससे सुनने वाली है देखो लेके जा फिर छोड़ के आना चलो चलो जाओ अपने कमरे में जाओ चलो मैं भी जाऊंगी सोने बाबा बहुत थक गई मैं लाइट बंद करके आती हूँ जरा फिर सोने लगे फिर आ गई तो क्या है ये चलो कमरे में चलो सोने बहू भी तेरे जैसी है ना सारा दिन काम करती रहती है तो चिंता मत करना राशि निकला अरे विलन आ गई विलन आ गई क्या बोल रही है तू अरे उसकी राशि की माँ ना वो विलन है मैं तो सोची मैं कोई बोल रही है नहीं सीरियल में राशि की माँ ना वो विलन है उसमें अच्छा चल ठीक है मैं ना जरा बाजार जाके आ रही हूँ मुझे चटनी बनानी है बाहर से जरा नीचे सब्जी वाला आया होगा जरा मैं लेके आती हूँ धनिया और तू ना जरा वो सब्जी रखी है गैस पे याद रखना क्या ठीक है ठीक है हाँ ठीक है चाबी लेके जाके दरवाजे में खुली तो पता वो भी बहुत है काम करते हैं हम सब ने तो बता दिया कि हम क्या नाम रखना चाहते हैं पर विजया के माता पिता भी तो कहे उन दोनों ने क्या सोचा तो का मेल होता है ठीक वैसे ही इसके नाम में भी आप सभी के पसंद के नामों का एक एक अक्षर का मिश्रण देखो तो इसमें क्या किया सब्जी का बार बार माफ कर देती हूँ हर बार तेरा तो रोज का होने लग गया अभी सारा मैं ही करूँ पानी ला के तो दे दे कम से कम
दे थोड़ा पानी दे, मेरे को पानी नहीं मिला, उठा नहीं जाता घुटने में। अरे मुझे बोल रहे क्या अभी लगती है पानी। ये लो पानी माँ जी। किधर रखू? सेब में परेशान करा है टीवी के मारे। चल तेरे को लेके चलती हूँ कॉल में, मेरी ना बहुत अच्छी फ्रेंड है। आप भी आज तो तेरे को मैं बताती हूँ, मेरे से काम किया है, मेरे को बहुत हो गया है। रहने दो ना, चल मैं मारती रहती हूँ। Yes. Case number 108. Okay. ये तो same है कि कोई भी जोड़ा बनता नहीं है कुंभ के मेले में खोई हुई। अपन तो अभी आ रही गए तीनी के पक्ष नहीं है, अभी तो गए अपन काम से। हाँ तो कहिए मिसेस कुलकर्णी, क्या परेशानी है आपकी? मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहिबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है। आज मैं परेशान होकर आप तक यहाँ तक आना पड़ा मुझे। बताइए मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं। अब मैं क्या बताऊँ, कल ही मैं बाजार जाना था मुझे सब्जी खरीदने। दाल मैंने गैस पर चढ़ा दी थी। मैंने इसको बोला कि जा जरा दाल संभाल लेना बेटा, मैं जरा सब्जी खरीद कर आती हूँ। और जब मैं लौटती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि ये टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते बैठी रही, दाल पे ध्यान ही नहीं दिया इसने, मेरी दाल जला दी इसने सारी, वो भी हाई ब्रांडेड दाल, इतनी महंगी वाली। अब मैं क्या करूँ बताइए, इतनी बड़ी गलती नहीं है क्या? और क्या है? आप सच कह रही हैं? सच में हाई ब्रांडेड क्वालिटी की दाल थी या कोई सस्ती थी? और नहीं तो क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? आज तक मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। मेरे तो खानदान में पूरा कभी आज तक किसी ने किसी बात पे झूठ बोला हो तो आप उसको अभी सजा दे दीजिए। अभी तो आपके सामने गीता की कसम खाई है ना बाबा। मैं गीता की कसम खा के तो कोई भी झूठ नहीं बोल सकता बाबा। झूठी तो ये किसी की भी कसम खा ले तो भी झूठी बोलेगी हमेशा। अभी मैं झूठी? हाय राम, हाय क्वालिटी की ब्रांडेड दाल। ऑर्डर ऑर्डर, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है मिसेस कुलकर्णी, पर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई जिसके लिए आप अपनी इतनी अच्छी बहू को यहाँ तक ले आई हैं। और क्या बात हो गई है ऐसी? और तो और उस दिन की बात बताती हूँ मैं आपको, उसने क्या किया था। उस दिन मैंने ऐसे पानी मांगा, पता है आपको उसने क्या किया? एक बाल्टी भरकर पानी लाई और मेरे सिर पर डाल दिया ठंडा पानी, बताइए, जिससे कि मैं बीमार पड़ जाऊं, बिस्तर में पड़ जाऊं और ये मेरे बेटे को अपने कब्जे में ले। आंटी थोड़ी लाई थी, जग्गी तो लाई थी, आप ही ने तो बोला था सर पे डाल दो, मैंने सर पे डाल दिया। सबके काम भी, इनके बात भी सुनो और बातें भी सुनो। ऐसी माजी रहती क्या माँ जी, इतनी छोटी बात के लिए अपने इधर कोर्ट तक आ गए। ये तो घर में आप ऐसे समझाते तो मैं समझ जाती ना। हाँ तो मिसेस कुलकर्णी, अब
फैसले की घड़ी आ ही गई है। आपका दुख मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, मेरी भी एक बहू है घर पर। खैर छोड़िए। हाँ हाँ, तो मिसेस कुलकर्णी की बहू रानी, अब मुझे आज फैसला सुनाना ही पड़ेगा। आज मुझे समझ में आ गया अच्छी तरह से कि तुम्हारी सास बहुत ही अच्छी है और तुमने उसके साथ बहुत जुल्म किए हैं, तो इसलिए अब मेरा ये फैसला है कि तुम्हें ये सजा सुनाई जाती है। तो तुमको ये सजा सुनाई जाती है कि अब एक हफ्ते तक तुम सास की जगह पर रहोगी और सास बहू की जगह पर, यानी कि अब मिसेस कुलकर्णी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगी जो तुमने उनके साथ किया था। तब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि उनके साथ क्या जुर्म किया था तुमने। कोर्ट इज एडजर्न। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सपना है क्या सच है? कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। And please also subscribe my channel and also click the bell icon so that you can get the notification as soon as my new video is uploaded. Thank you so much, my dear friends.